आज है बफे में पनीर पराठा और ब्रेकफास्ट का प्राइस बहुत ही रीजनेबल है, जस्ट 400 रुपीज प्लस टैक्स। बड़ी ही स्वादिष्ट है ये पोंगल, जो साउथ इंडियन सेक्शन से निकला हुआ है। भाजी पूरी आ जाती है लाइव। ये आज है बफे में बीटरूट इडली, जो हेल्दी भी होती है। वेरी क्रिस्पी मेदू वड़ा, हर्ब्ड वेजिटेबल्स एंड मसाला ओट्स। वेस्टर्न सेक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स है, मार्बल लोव्स। कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है हम मेन किचन से भी उनके लिए दे देंगे। नमस्कार, मेरा नाम शेफ ऋषि तलवार है, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ RPJ होटल राजकोट। आज हम बात करेंगे और दिखाएंगे आपको हमारे ब्रेकफास्ट बफे के बारे। हम हेल्दी कॉर्नर से चालू करते हैं, जहाँ हम होल फ्रूट्स रखते हैं प्लस अ लॉट ऑफ स्प्राउट्स है, कॉटेज चीज़ेस है, फ्लेवर्ड कर्ड्स रखते हैं हम। बहुत सारे हेल्दी कॉटेज चीज़ेस रखते हैं फ्लेवर्ड इन हाउस, प्लस चार तरह के कट फ्रूट्स होते हैं, प्लस हॉट मिल्क, कोल्ड मिल्क, 6 तरह के बेवरेजेस है हमारे पास मेनू में, इंक्लूडिंग थिंग्स ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, टोस्ट, सैंडविचेस, प्लस कॉर्नफ्लेक्स 2 डिफरेंट टाइप्स, टी, कॉफ़ी एंड अ लॉट ऑफ वेरी हेल्दी सीड्स, जो हेल्दी सीड्स होते हैं ना, जिसको लेट्यूस और सबके साथ खा सकते हैं हम। ये हमारा लाइव काउंटर है, जहाँ से हम डोसा और एग्स टू ऑर्डर निकालते हैं ब्रेकफास्ट में खाली। एग्स हम खाली ब्रेकफास्ट पे देते हैं, वरना लंच और डिनर पे नहीं। इधर है हमारे पास एक इंडियन स्वीट हमेशा डालते हैं, राइस कील। बड़ी ही स्वादिष्ट है ये, और हर दिन ये आपको रिपीट में नहीं होगा, हर दिन हम चेंज करते हैं आइटम्स। आज है बफे में पोंगल, जो साउथ इंडियन सेक्शन से निकला हुआ है। फिर है भाजी, पूरी आ जाती है लाइव किचन से। जो सांभर है हमारा, वो भी सांभर का पाउडर हम इन हाउस बनाते हैं, तमिलनाडु सांभर। ये देखिए इसका रंग, प्लस इडलीज बार बार चेंज होती रहती है। आज है बफे में बीटरूट इडली, जो हेल्दी भी होती है। 2 तरह की चटनियाँ होती है, कोकोनट चटनी, टमाटर चटनी, ब्रेड पकौड़ा है, प्लस हम 5 तरह के फरसान भी रखते हैं बफे में। वापिस चलते हैं साउथ इंडियन सेक्शन में। वेरी क्रिस्पी मेदू वड़ा, देखिए इतना क्रिस्प है, ऐसे दबाते ही कट रहे हैं। प्लस प्लेन कट्स होता है हमारे पास, पराठे है, वर्मिसली उपमा है। आज है बफे में पनीर पराठा, और ये हर्ब्स है, हर्ब्ड वेजिटेबल्स एंड मसाला ओट्स। वेस्टर्न सेक्शन में हमारे पास बहुत ही बढ़िया बेकरी डिस्प्ले है, जिसके बारे में मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए हमारा बेकरी स्प्रेड क्या क्या डाला है हमने, दो तरह के डोनट्स डाले हुए हैं, 2 तरह के केक्स है। ये सब इन हाउस है, हमारी बेकरी और पैटिसरी इन हाउस है, प्लस डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रेड्स है, मार्बल लोव्स, ये क्रोजोन्स है 2 तरह के, डैनिश पेस्ट्रीज है, कुकीज़, मफिन्स। आप जो पसंद है आप बता सकते हैं, जिसको कोई भी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस है हम मेन किचन से भी उनके लिए दे देंगे। ग्लूटेन फ्री ब्रेड भी है हमारे पास, जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। बस आप आइए, हमारे पास ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स है 7 to 10:30, और ब्रेकफास्ट का प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, जस्ट 400 रुपीज प्लस टैक्स। और एक चीज़ बताना चाहते हैं, हाँ, हमारा जो लाइव काउंटर है वो थोड़ा अंदर है, लेकिन उधर से गर्मा गर्म मसाला डोसा, सादा डोसा, मैसूर डोसा, उत्तपम। आप हेल्थ कॉन्शियस है या आप स्ट्रीट फूड पसंद करना चाहते हैं, सब ऑप्शंस हमारे पास है। हमारे पास बहुत सारा की वैरायटी है, आपको इंडियन के ऑप्शन मिल जाएंगे, वेस्टर्न के ऑप्शन मिल जाएंगे हमारे यहाँ। तो आइएगा ज़रूर RPJ होटल, ब्रेकफास्ट कर लिए 7 to 10:30। थैंक यू, नमस्कार। वेजिटेबल सैंडविच है, ब्रेड पकौड़ा है, कई डिफरेंट तरीके के फ्रेश एक्जोटिक फ्रूट्स है। साउथ इंडियन फूड में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, मेंदू वड़ा है, इडली है, मसाला डोसा है, पेपर डोसा है, साथ में आपको यहाँ से मिलेगा गर्मा गर्म लाइव मिक्स उत्तपम। कई तरह के फ्रेश फ्रूट्स के जूस है यहाँ पे आपको मिल जाएगी, केक, पेस्ट्री और क्रोजोन, आलू की सब्जी और पूरी। आप हमें टेक करके ज़रूर बताएगा कि इन सब चीज़ में से आपको सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हो, सारी की सारी अनलिमिटेड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये में, मतलब कि पेट ना भरे तब तक दबा के खा लो। दोस्तों आई एम टेलिंग यू, अगर आपने सुबह से ऊपर ये सब खा लिया तो आपको लंच के टाइम पे और कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इन शॉर्ट ये आपका ब्रंच ही हो गया।
ये पूरे ब्रेकफास्ट के बफेट में कुल मिला के 45 से भी ज़्यादा आइटम रहती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे जो मेनू है वो हर रोज चेंज होता ही रहता है, ताकि हमारे जैसे जो ट्रैवलर्स है उसे हर रोज नई नई चीज़ें खाने को मिले। आइए दोस्तों चलते हैं होटल आरपीजे के शानदार रूम के अंदर। हमारा रूम नंबर है 5719 और मम डैड का रूम भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सो ये है हमारा रूम। सो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं ये रूम का बड़ा सा मिरर, जो कि मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। इस तरफ है वॉशरूम, हैव अ लुक। ये है वॉश बेसिन और इस तरफ है शावर एरिया, जहाँ पे आप एकदम सुकून से नहा सकते हो। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई, ये जो आप वॉश बेसिन देख रहे हो उसके पीछे रूम है और ये दोनों के बीच में एक कर्टन है जो कि ऑटोमेटिकली अप डाउन होता है। आप देख सकते हो कि आपकी गैर हाजिरी में आपका पार्टनर या तो आपका भाई कर क्या रहा है। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। यहाँ पे एक कपबोर्ड है और यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो। इस तरफ है चाय और कॉफ़ी मेकर और इसके नीचे है एक छोटा सा प्यारा सा फ्रिज। और इस तरफ है एक बड़ा सा मस्त टीवी और साथ में सेटअप बॉक्स भी दिया गया है। और इस तरफ है आरपीजे होटल का मस्त एकदम आरामदायक वाला बेड। और इस तरफ है एक बड़ा सा कर्टन, जहाँ से आपको सुबह के टाइम पे राजकोट का बहुत ही मस्त एकदम नेक्स्ट लेवल का व्यू मिलता है। यहाँ से खड़े रह के आप पूरे राजकोट के व्यू के मज़े ले सकते हो। ये है कॉफ़ी टेबल, जहाँ पे बैठ के आप अपना काम कर सकते हो या तो फिर डेनिस की तरह अपने एडिटिंग कर सकते हो। दोस्तों आई मस्ट से ये जो होटल आरपीजी है वो बहुत ही पीसफुल है और यहाँ के जो रूम्स है वो कोजी एंड कम्फर्टेबल है। और स्पेशली आप ये जो बेड देख रहे हो वो आरामदायक है, जो हमें एक सुकून की नींद देते हैं। सो ये है मॉम डैड का रूम, कैसे लगा आपको? बहुत ही शानदार। एज ऑलवेज हम कभी भी राजकोट आते हैं फूड के लिए या शॉपिंग के लिए तो हम यहीं पे ठहरते हैं, आरपीजे होटल पे। जी जी सही है, क्योंकि ये जो आरपीजे है वो राजकोट की वन ऑफ द बेस्ट 4-स्टार प्रॉपर्टी है। आप देख सकते हो रूम तो काफी शानदार है।